पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान भागवत कराड़ जी, श्री गिरीश महाजन जी, श्री अशोक राव चौहान जी, श्री अजीत गोपछड़े जी, श्री संजय भाऊ कोडगे जी, सुश्री सूर्यकांत ताई पाटिल जी, श्री भास्कर राव पाटिल जी, डॉक्टर माधव राव जी, श्री राम पाटिल जी, श्री भीमराव केराम जी, श्री तुषार राठौड़ जी, श्री राजेश परार जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं दिल्ली से नांदेड़ आया हूं, ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद, आगे आओ प्रताप राव पाटिल जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज की सभा में इतने विपरीत माहौल में बारिश होने की तैयारी होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो भाई सेट कर बैठ जाओ सभी लोग, जरा प्लीज बैठ जाइए, यहीं रहकर मैं बोलने वाला हूं, बैठ जाइए। वो व्हाइट शर्ट बैठ जाओ जरा। सबसे पहले अभी गुड़ी पड़वा गया है, नए साल की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब राहेर नरसिंह मंदिर, कोलंबी मठ, दत्त प्रभु और सरबंस दानी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज महात्मा ज्योतिराव की जन्मतिथि है। महात्मा ज्योतिराव ने इस देश में सामाजिक क्रांति लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज इस अवसर पर दोनों ज्योतिराव और सावित्रीबाई दोनों को प्रणाम कर मेरे बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, थोड़ा मौसम बिगड़ गया है। कांग्रेस वालों को लगता है कि मौसम बिगड़ा है, मगर मैं उनको बताने आया हूं, मौसम नांदेड़ का बिगड़ा है, देश का मौसम बहुत अच्छा है, 400 पार होने वाली है। आज की सभा देखकर शायद ही किसी के मन में ये शंका बच जाएगी कि प्रताप राव चिखलीकर प्रचंड मतों से रिकॉर्ड तोड़कर जीतने वाले हैं। भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। नांदेड़ वालों, आपका एक एक प्रताप राव को दिया हुआ वोट सिर्फ नांदेड़ में प्रताप राव को नहीं जिताएगा, दिल्ली में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। मोदी जी ने ये दो टर्म के अंदर देश को सुरक्षित किया है, देश को समृद्ध किया है। हमारा अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, 11वें नंबर से मोदी जी 5वें नंबर पर लाए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम संसार का तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, हमारे सामने जो चुनाव लड़े राहुल जी के नेतृत्व में, ये सारे लोग यहां पर महाराष्ट्र में तीन पार्टियां इकट्ठा हुई है, एक नकली शिवसेना, एक नकली राष्ट्रवादी और एक आधी बची हुई कांग्रेस पार्टी। अब ये हमारे यहां तो गुजरात में कहावत है, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा।
कि मैं आपको बताने आया हूं भाई और बहनों, उद्धव जी की शिवसेना आधी रह गई, शरद राव की एनसीपी आधी रह गई, ये तो दो आधे थे ही, ये दोनों ने मिलकर कांग्रेस को भी आधा कर दिया, आधा करने का काम कर दिया। अब मुझे बताओ ये तीन आधे मिलकर महाराष्ट्र का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? एक ऐसी ऑटो रिक्शा है जिसके तीन पहिए हैं, मगर गवर्नर एम्बेसडर का है, गियर बॉक्स फियाट का है और उसका बाकी का इंजन मर्सिडीज का है। ये ऑटो रिक्शा का कहीं पर भी कोई दिशा तय नहीं हो सकता, इसका भविष्य बहुत स्पष्ट है। ये चुनाव के बाद आपसी मतभेद से ये सभी लोग टूटने वाले हैं भाई और बहनों। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्तों की टोली जैसा एनडीए का कुनबा बैठा है। मैं आज नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ये कश्मीर जो है नांदेड़ वालों, हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो तो, सभी लोग बोलो है या नहीं है। एक खड़गे जी कहते हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, नांदेड़ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार है। भाई और बहनों मुझे बताओ, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को एक अनोरस बच्चे की तरह संभाल कर रखी थी। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को खत्म कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 10-10 साल तक ये सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे, एक शब्द मनमोहन सिंह के मुंह से नहीं निकलता था। 2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कश्मीर को अलग नजरिए से देखने का स्वर्ग। उनके समय में भी पुलवामा और उरी हुआ, मगर 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि हमारे देश की सेना और हमारे देश की सीमा, उसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब सहन करना पड़ता है। ये बात नरेंद्र मोदी जी ने की। ये हमारे महाराष्ट्र के यहां से थोड़े दूर तक कभी नक्सलवाद फैला हुआ था, मोदी जी के 10 साल में महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे नांदेड़ वालों बताओ जरा, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटका कर बैठी थी। नरेंद्र मोदी जी ने 1924 के बीच में 5 ही साल में जजमेंट भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम समाप्त हो गया। और 500 साल के बाद
500 साल के बाद पहली बार रामलला 17 तारीख को रामनवमी के दिन अपना बर्थडे भव्य मंदिर में बनाएंगे, टेंट में नहीं बनाएंगे। और कांग्रेस पार्टी, आपने तो बनाया नहीं, ये तो मैं समझ सकता हूं, आपको अपनी वोट बैंक का डर है, परंतु जब आपको निमंत्रण मिला रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, आप वहां पर भी नहीं गए, और जो लोग जाना चाहते थे उनको कांग्रेस पार्टी से निकालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, ये लोग देश का सम्मान नहीं सोच सकते। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, वहां काली माता का मंदिर भी पुनर्स्थापित किया 450 साल के बाद। हमारे सभी मान बिंदुओं की सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तरप शरद राव जी को पूछना चाहता हूं कि शरद राव जी एक बात बताइए, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार के आप कर्ता धरता थे, 10 साल तक आपने महाराष्ट्र को क्या दिया? नांदेड़ वालों, हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? जरा जोर से बोलो, मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए? उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो नहीं देंगे। मगर मैं आज देखकर जाता हूं, 10 साल में उन्होंने महाराष्ट्र को 1,91,000 करोड़ रुपया दिया था, और 1,91,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में 7,15,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 3,90,000 करोड़ अलग से दिया, 75,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे के लिए, 2,10,000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, 4,000 करोड़ रुपया एयरपोर्ट के लिए, और 1,00,000 करोड़ रुपया स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी की मंडली महाराष्ट्र का विकास नहीं कर सकती। महाराष्ट्र का विकास नरेंद्र मोदी जी, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर ढेर सारे गरीब कल्याण के काम किए हैं। गरीबों के लिए सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में 1,16,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया, 1,20,00,000 घरों में नल से जल पहुंचाया, 1,00,00,000 लाभार्थियों को 5,00,000 तक का पूरा खर्चा आज आयुष्मान भारत योजना से मोदी जी उठा रहे हैं, 70,00,000 से ज्यादा शौचालय बनाए, 7,00,00,000 गरीबों को कोरोना आया तब से प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, 51,00,000 गरीब बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया, 20,00,000 घर दिए, नागपुर में एम्स दिया, आईआईटी नागपुर में दिया, आईआईआईटी पुणे में दिया, और नागपुर में आईआईएम भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, शरद पवार जी इतने साल यहां से इतने दिग्गज नेता रहे, मगर महाराष्ट्र का विकास नहीं कर पाए। महाराष्ट्र का किसान हो, गरीब हो, युवा हो, महिला हो, ये सभी का सर्वांगीण विकास करने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल
नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, नांदेड़ की मैं बात करता हूं, 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग नांदेड़ जिला में बना, नांदेड़ हवाई अड्डे को फिर से चालू किया, मुंबई नागपुर बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि एक्सप्रेस के साथ जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ने की मंजूरी दी, 86,000 करोड़ की लागत से नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेस बनाया, 12,000 करोड़ की लागत से कृष्णा मराठावाड़ा सिंचाई योजना को अप्रूव किया और 2300 करोड़ की लागत से बाढ़ प्रबंधन का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और जोर से ताली लगाना, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और स्थिति देखे, बाला साहब मांग करते थे किसका नाम संभाजी नगर हो, शरद पवार जी विरोध करते थे, आज भाजपा सरकार ने शिवसेना सरकार ने संभाजी नगर नाम किया, मगर उद्धव ठाकरे के मुंह पर हंसी नहीं दिखाई पड़ती है भाई, हंसी नहीं दिखाई पड़ती। भाई और बहनों, अंत में यही कहने आया हूं मैं, ये चुनाव जो है 2047 में देश को पूर्ण विकसित देश बनाने का चुनाव है, मोदी जी को तीसरी बार देने प्रधानमंत्री बनाने का मत है, मजबूत भारत की नींव डालने का काम, एक ऐसा भारत जिसके सामने कोई नजर उठाकर देख न पाए, एक ऐसा भारत जो भारत सर्व दिशा में सर्व क्षेत्र में समग्र विश्व में एक नंबर हो, इस ऐसा भारत बनाने का यह चुनाव है। और हमने प्रताप राव चिखलीकर को आपके सामने प्रत्याशी बनाकर उठाया है। मैं निवेदन करने आया हूं नांदेड़ की जनता को, हमारे भाई प्रताप राव जी को बड़े बहुमत से, प्रचंड बहुमत से जिताएं। मुझे बताओ, जोर से सभी लोग अंत तक बताएं, प्रताप राव जी को जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? मजबूत और सशक्त भारत बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।